सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन विद कन्नू। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पतली डोरी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों को ये बता दूं कि वैसे तो पतली डोरी बनाने के लिए औरेब कपड़ा काटा जाता है जो कि तिरछा होता है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है। और ज़्यादा कपड़ा जैसे सूट वगैरह हैं तो उसमें ज़्यादा कपड़ा मिल जाता है, पर अगर ब्लाउज है कम है कपड़ा तो उनमें नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी कि पतली कपड़ा, अगर आपके पास 1 इंच या 2 इंच का भी कपड़ा है तो भी आप पतली डोरी बना सकते हैं। तो चलिए, ये मेरे पास है 2 इंच का कपड़ा है, तो इससे आज हम डोरी बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये 2 इंच का कपड़ा निकाला हुआ है जो कि ब्लाउज में निकल आता है, तो इसलिए मैं इसको आज आप लोगों को बताऊँगी। तो इसको मैं 2 डोरी बनाऊँगी। ये मैंने बराबर रख लिया एंड मैं इसको बेस से ऐसे कट कर लूँगी। सो ये कट हो गया है, अब आप इसकी 2 डोरी बना सकते हैं इतनी लंबी लंबी। सो अब इस पर हम सिलाई चलाते हैं। चलिए हम आप लोग बताते हैं कि इसमें कितनी सिलाई चलाएंगे। सो अब हम ये कपड़ा मशीन में रखेंगे, मशीन पे, एंड अब हम लोग इस पर सिलाई सिर्फ एक पहुँचे एक इसकी चलाएंगे, जो कि ये बना हुआ है सिर्फ इतनी ही सिलाई रहेगी, बाकी कपड़े पे नहीं रहेंगी, जिससे कि पतली डोरी निकलेगी। मशीन चलाते हैं। हम लोगों की डोरी ये सिलाई चला दी है हम लोगों ने। अब इसका जो बहुत ही एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होता है, जैसे आपके पास अगर ब्लाउज के कपड़े हैं तो आप सूट के कपड़े हैं तो उसमें आपको काफ़ी मात्रा में कपड़ा मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास ब्लाउज का सिर्फ कपड़ा है तो उसमें कभी कभी नहीं ज़्यादा कपड़ा निकल पाता है। इस वजह से हम लोग कभी, इसलिए सीधी डोरी भी बनाई जा सकती है। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले और आप लोग कम कपड़े में अच्छी डोरी और पतली डोरी बना सकें। सो हम लोगों ने अब इसका एक वो वेस्ट निकाल दिया। सो अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे मैंने एक में वैसे पतली सिलाई चलाई थी, इसी तरीके से मैंने दूसरे में भी चला ली है, 2 मैंने कंप्लीट कर ली। अब इसको पतली डोरी को निकालते कैसे मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए लेते हैं बड़ी वाली सुई, जो कि ये है, और इसमें हम लोग, अगर आपके पास मोटा वाला धागा, सो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि सुई लेंगे, लेकिन अगर आपके पास मोटा धागा है तो आप सिंगल करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पतले धागे तो इसको आप डबल करके डालेंगे, जिससे कि ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग डोरी निकालते हैं तो उसमें हम लोगों को मजबूती से खींचना पड़ता है, और खींचने के लिए हम लोगों को मजबूत धागा चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप इससे बना सकते हैं आसानी से, इससे निकाल आएगा, या आप डबल करके ऐसे डाल देंगी तो ये आपका 4 परत में धागा निकल आएगा। ये देखिए, ये आ गया आप लोगों का धागा। अब हम लोग इस पे ऐसे नॉट लगा देंगे, सिंगल नॉट लगा दी मैंने, एंड ये लिया मैंने डोरी, जो साइड आपने बंद की तरफ से है, जो साइड आपने बंद की तरफ से किया है ये आपका खुला साइड है, ये देखिए ऐसे, और ये साइड आपका बंद है। इधर से आप ऐसे जरा सा लेंगे और इसको ऐसे आप एक नॉट लगा लेंगे, एंड अब हम लोग इसको पलटेंगे। तो इसको पलटने के लिए अब हम लोग, अगर आगे से आप डालेंगे तो ये फंस जाएगा, ये सुई बार बार निकल आएगी, इसलिए हम लोग बैक से इसको सुई को डालेंगे, एंड ऐसे डाल के एंड ये देखिए हमारी सुई इधर से ये निकल आई है। ये
अब हम लोग इसको धीरे धीरे, ये हमारी डोरी उल्टी ही है अभी, अभी सीधी नहीं हुई, लेकिन अभी उल्टे तरफ से निकाली हमने इसको, अब इसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो इसको पहले तो हम लोग हल्के हाथों से इसको खींचेंगे। अगर आपका कोई सिल्क का कपड़ा है तो डोरी आसानी से निकल आती है, बट जैसे नेट के कपड़े हैं, नेट के कपड़े बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं, इसलिए ज़्यादातर डोरी लोग नेट की नहीं बनवाते हैं। जो ब्लाउज का कपड़ा होता है उसी से बनती है ये भी। ये वैसे नॉर्मल सिल्क का कपड़ा नहीं है, लेकिन ये आपके ऐसे नॉर्मल कपड़ा है, इसलिए आपके देखिए आप ऐसे धीरे धीरे इसको खींचते रहेंगे तो ये निकल आएगी। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि जो आपने ये अंदर निकल रही इसी को पकड़ें, इस पर ज़्यादा जोर ना दें, जो कि आपकी सुई का धागा है। ये लीजिए, तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे खींचते जाएंगे उल्टे से। यहाँ पे मैंने ये मोटा वाला धागा अंदर से जो पलट के आ रहा है, मैं उसको पकड़ के खींच रही हूँ, जिससे कि आपका धागा ये टूटने का डर नहीं रहता है। क्योंकि अगर ये धागा आपका यहाँ से टूट गया, आपने फोर्स लगा दिया, ये धागा यहाँ से टूट गया, तो आपकी डोरी बेकार हो सकती है, आपका पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए हम धीरे धीरे इसको खींचेंगे, जो कि और फिर यहाँ से पकड़ेंगे, जो कि ये पलट के हमारी अंदर से आ रही है। अब हम लोग धीरे धीरे ऐसे खींचते जाएंगे। ये डोरी निकल आई, अब हम इसको छोड़ सकते हैं। अब हम लोग इसको यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से आप खींचते जाएंगे तो ये आपकी ऐसे पलटती चली आएगी डोरी। तो देख सकते, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको इतनी पतली ही डोरी बनाई। इसको आप लोग काट सकते हैं यहाँ से, ये धागा मैंने काट दिया हुआ है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि इससे कितनी पतली डोरी निकली हुई है, जबकि आपके पास सीधा कपड़ा था। इसलिए आप लोग अगर कम कपड़ा भी है तो भी आप लोग पतली डोरी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसके लिए आप लोगों को और एक कपड़ा थोड़ा लंबा रहता है और निकालने में उसको आसानी रहती है, बट इसमें भी आसानी से निकल जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, ये देखिए। एंड इसी तरीके से हम लोग दूसरी भी डोरी बना लेंगे। एंड फिर सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये दोनों डोरी बन गई है, और देख सकते हैं आप लोग कि कितनी पतली डोरी बनी हुई है सीधे कपड़े से। इसलिए हम लोग कम कपड़े में भी ज़्यादा पतली डोरी बना सकते हैं। एंड इसको हम लोग अब ब्लाउज में अटैच कर लेंगे, सूट में अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आप लोग इससे कुछ सीखे हो, तो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं, मुझे वो मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं आप लोगों को और भी हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए और भी कोशिश करती रहूँगी। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस चीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। मैं कोई भी वीडियो डालूँगी जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप लोग इसको देख के सीख सकते हैं। एंड थैंक यू, वेलकम, बाय।